नमस्कार दोस्तों, बीआरएस रेंटल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक 1 BHK प्रॉपर्टी जो आपको मिलती है स्पेसिंग के साथ में। इस बालकनी से अगर आप सामने की ओर देखते हैं तो आपको वेगस मॉल दिखेगा, बहुत बड़ा बड़ा साफ सुथरा। अभी मैं आपको जब पूरा बालकनी वाला पार्ट दिखाऊंगा तब आपको वो चीज़ भी दिखाऊंगा। यहाँ से नीचे देखते हैं तो पार्क दिखता है, एक बार नीचे दिखा देते हैं आपको। और इस पार्क के साथ में जो व्यू है वो अनमैच्ड है, बिकॉज ये सबसे बेस्ट व्यू है इस पूरी सोसाइटी का। तो आइए पूरा फ्लैट का वॉक थ्रू दिखा देते हैं एक बार। वैसे तो आपने कई बार देख रखा होगा चैनल पे, बट एक बार और सही। तो इसका प्रॉपर्टी कोड यहाँ पे है, नंबर्स नीचे हैं जिस पे आपको कॉल करनी है। इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में आप इस स्पेसिफिक फ्लैट की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं या द्वारका ग्रीन के 1 BHK फ्लैट की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आएंगे हमारे फ्लैट के अंदर। सबसे पहले आपको लेआउट बता देते हैं, एक बार आप सामने आ जाएं। सामने आएंगे तो आपको बढ़िया प्रकाश दिखेगा, काफ़ी सारी लाइट दिखेगी। और अभी आपको लेआउट बताते हैं। लिविंग हॉल है, सामने बालकनी है, इधर की ओर किचन स्पेस है और यहाँ पे आपका वॉशरूम एंड बाथरूम है। साइज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 14 फीट ऐसे मिलता है और ऐसे आप इसको देखते हैं तो ये आपको मिलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लगभग 17 फीट की लंबाई मिलती है। उसके बाद आगे आते हैं तो ये हमारा किचन आ जाता है। सबसे पहले किचन देख लीजिए, किचन के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 9 फीट है। तो 9x9 का किचन है हमारा। ये हमारा 9x9 का किचन है जिसके अंदर आपको काम करा हुआ मिलेगा, कुछ इस तरह का काम। नीचे पूरा SS के साथ में बास्केट आपको मिल जाएंगे, प्लस इसकी हाइट काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे बर्तन धो सकते हैं। ऊपर ओवरहेड स्टोरेज मिल जाएगा। और यहाँ से आएंगे हमारी बालकनी नंबर 1 पे। सो इसमें 2 बालकनीज होती हैं और ये पहली बालकनी है जिसका साइज़ आपको मिलेगा 8 फीट बाय 4 फीट कुछ इंचेस। यहाँ पे आपको सॉकेट अरेंजमेंट दे रखा है, टैप अरेंजमेंट दे रखा है, ड्रेनेज दे रखा है। इट मीन्स यहाँ पे हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो प्लेस हो जाएगी। एक बार हल्का आगे आइए, यहाँ से आपको सामने दिखा देता हूँ। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये हमारा वेगस मॉल है द्वारका का, सेक्टर 14 का। और ये जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे आप अपने AC की एक्सटर्नल यूनिट को प्लेस कर सकते हैं नीचे की ओर। तो आप देखेंगे तो ये जो बेस बना हुआ है इसी पे हमारा AC का एक्सटर्नल यूनिट आ जाएगा। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ वॉशरूम, बाथरूम और बेडरूम दिखाने के लिए। दोस्तों अगर आप इस तरह के फ्लैट को परचेज करना चाहते हैं तो रीसेल मार्केट में इस तरह के फ्लैट का प्राइस 1.25 करोड़ से 1.30 करोड़ के बीच में है। 100 गज के अंदर 1 BHK दिल्ली के सबसे प्रीमियम फ्लैट्स हैं DDA में। यहाँ पे आपको हाथ हाथ धोने का एरिया मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वॉशरूम बाथरूम मिल जाएगा। ये आप देखेंगे तो अपना वॉशरूम है, कमोड स्पेस है जिसका 3x4 का स्पेस मिल जाता है। ये वाला जो हमारा स्पेस है ये आपको मिलता है 7x4 के स्पेस में। एक बार हल्का अंदर आइए, यहाँ से आप देखेंगे तो वेंटिलेशन इस पर भी काफ़ी अच्छी है। इनको यूज़ करके आप अपनी वेंटिलेशन को अप या डाउन कर सकते हैं। बाकी शावर लगा हुआ है, हाइट काफ़ी अच्छी है, टॉवल रॉड लगी हुई है इसके अंदर। यहाँ से आप थोड़ा पीछे चलेंगे, ये आ जाता है हमारा रूम नंबर 1। ये हमारा सबसे पहला बेडरूम है। इसके अंदर आपको जो साइज़ मिलता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखते हैं तो 10 फीट मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखते हैं तो ये आपको मिलेगा 13 फीट। 13x10 का रूम है। सामने इसमें वार्डरोब का अरेंजमेंट किया गया है, एक बड़ी सी विंडो मिल जाती है और वार्डरोब जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस ऑफर करता है हमें, काफ़ी सारा सामान इसमें आ भी जाएगा। इसको कर देते हैं बंद, यहाँ से चलते हैं पीछे और आपको लेके चलते हैं हमारी सबसे बढ़िया वाली बालकनी में। दोस्तों आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने इस सोसाइटी का डिटेल। यहाँ से आ जाते हैं फाइनली हमारी बालकनी में। तो ये जो बालकनी है दोस्तों काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ा साइज़ ऑफर करती है हमें। 6 फीट ऐसे ये वाइड है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वॉल तक अगर आप इसकी लंबाई देखते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा लगभग 13 फीट के आसपास। तो 13 फीट बाय 6 फीट का तो ये स्पेस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से पहले आपको नीचे दिखा देता हूँ, आइए वापस। ये मुझे स्पेस काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे हमारे सारे टावर्स हैं। ये फ्रंट वाले 2 टावर हैं, ये वाले टावर ऐसा कुछ दिखता है। तो जो फेसिंग मिल रही है वो बहुत खूबसूरत फेसिंग है। उसके बाद ये हमारे रूम के सामने वाला बालकनी पोर्शन है, ये आपको मिलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 9, 10, ओके 11 फीट लंबाई है इसकी
चार फीट चौड़ाई है, तो 11x4 का ये स्पेस मिल जाता है। आगे आ जाइए एक बार, यहाँ से मैं आपको ना जूम करके दिखा रहा हूँ। अगर आप जूम करके देखते हैं तो सामने आपको मिलेगा हमारा वेगस मॉल, और ये वेगस मॉल के साथ में रोड कनेक्टेड है, मेट्रो कनेक्टेड है। यहाँ से आपको अगर डिस्टेंस वाइज देखते हैं तो हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर द्वारका का सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली की सबसे प्रीमियम सोसाइटी है 1BHK में, क्योंकि 1BHK में इतना बड़ा साइज कोई सोसाइटी ऑफर नहीं करती है। ऑन टॉप ऑफ इट, इसमें हर फ्लोर पे आने के लिए आपको 3 लिफ्ट मिल जाती हैं, जिसमें से 2 पैसेंजर लिफ्ट हैं, 1 सर्विस लिफ्ट है। दिस इज़ द ओनली टावर इन दिस होल कॉम्प्लेक्स, ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स में यही वाला टावर है जहाँ पर लिफ्ट डायरेक्टली -1 तक यानी कि बेसमेंट तक जाती है। तो ये एक पॉइंट था जो मैं मेंशन करना चाहता था इसके बारे में। बाकी यहाँ पे रहकर आप ये भी प्लान कर सकते हैं कि आपको ये फ्लैट खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। तो डायरेक्टली अगर आप खरीदने का विचार बना रहे हैं और कुछ समय रहकर देखना चाहते हैं, तो आप आइए इस वाली सोसाइटी में रह के देखिए, बहुत अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, क्योंकि सच में काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी वेंटिलेटेड फ्लैट्स हैं, और जो अप्रोच रोड है वो भी बहुत अच्छी है। जब आप आएंगे और इसको विजिट करने का प्लान बनाते हैं, तो ये इसका प्रॉपर्टी कोड है, हमने यहाँ पे डाल दिया है और नंबर्स नीचे लिख दिए हैं। कुछ ही यूनिट्स बची हुई हैं हमारे पास, तो इन्हें जल्दी से आप ले सकते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।